Hey guys, welcome to our YouTube channel CA Foundation Classes and this is me Pooja Sharma. इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन BCR. मैंने BCR पढ़ाया हुआ है Edu91 ऐप पे और मेरे पास बच्चों के टेलीग्राम आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते रहते हैं, मैम आपने पढ़ाया बहुत अच्छा है बट फिर भी अगर आप कुछ लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हमें देना चाहोगे जिससे हम और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आएँ BCR में, तो ये वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए है, मेरे सभी प्यारे बच्चों के लिए जो मेरे साथ यूट्यूब पर कनेक्टेड हैं या फिर जो मेरे से कोर्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। शुरू करने से पहले मेरे को आपसे दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ ये कि इस वीडियो को जो है ना एंड तक देखना है। आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप चाहे मेरे साथ कनेक्टेड हैं किसी भी तरीके में, अगर आप सच में कनेक्टेड हैं मेरी बात सुनना, ये वीडियो जो है पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी बातें बताई हैं जिससे आपके मार्क्स सच में बहुत अच्छे आ सकते हैं और मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चा चाहे मेरा कोर्स लिया है चाहे आप मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं, मैं चाहती हूँ हर बच्चे के 40 में से एटलीस्ट 30 मार्क्स तो आने ही आने चाहिए। बाकी 20 नंबर आप अपने लॉ में पढ़ के ले आइए, लॉ में बच्चों को काफ़ी तकलीफ हुई है तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट हम BCR अपना कवर अप करके रखें, लॉ थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाएगा तो राइट। दूसरी चीज़ ये है कि इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 300 लाइक्स है। फॉरगेट अबाउट सक्सेस, फॉरगेट अबाउट मनी, यू गाइज अप्रिशिएटिंग माय वर्क इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी, इट्स द मोस्ट सैटिस्फाइंग थिंग दैट आई कैन आस्क फॉर। मैं पूरे दिन में कभी भी कोई चीज़ से परेशान होती हूँ, आई जस्ट गो थ्रू द कॉमेंट्स एंड आई जस्ट सी द लव यू गाइज हैव लेफ्ट इन द कॉमेंट्स और वो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो वो चीज़ जो है एकदम मेरे दुख को रिलीव कर देती है। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल बी थैंकिंग यू फॉर द एंटायर लाइफ बिकॉज यू गाइज आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी राइट। तो चलिए अब वीडियो को जो है शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है चैप्टर्स का वेटेज देखेंगे जो है ICI के अकॉर्डिंग। आप बोलोगे कि मैम ICI के अकॉर्डिंग आप कुछ भी बोल दोगे तो क्या हम मान लेंगे क्या? देखो ये मैंने हवा में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आप जो चीज़ें छोड़ देते हो ना वही चीज़ें मैं जो है चेक करती हूँ जाके। सो BOS का जो नॉलेज पोर्टल है वहाँ पे जाके आपने कभी अगर देखा हो तो सेक्शन वाइज वेटेज फॉर सब्जेक्ट्स और स्किल वाइज वेटेजेस में जो है इन्होंने ये पूरा बांट रखा है कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और दिस इज़ वॉट आई फाउंड। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर से भी बता रही हूँ ठीक है। कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है उसका वेटेज 10-15% है, यानी 4 से 6 नंबर का जो है पेपर में आएगा ही आएगा, कोई उसका दोराया नहीं है। फिर जो आपका सेक्शन नंबर 2 है ये 4 सेक्शन में हमने बांटा हुआ है, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन एंड फोर्थ सेक्शन। सेकंड सेक्शन है आपका ग्रामर से रिलेटेड, 2 चैप्टर्स है उसमें वोकैबुलरी, नाम है वोकैबुलरी उसमें काफ़ी इधर उधर की चीज़ें भी हैं, आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स ईडियम्स ये सब चीज़ें हैं ठीक है। फिर आपका है घनघोर ग्रामर, दैट इज़ आपका सेंटेंस टाइप्स और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव और इनएक्टिव पैसिव स्पीच ठीक है, एक्टिव पैसिव स्पीच। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को जो है इसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर किसी बच्चे को ये आ जाता है ना तो उसको समझ लेना कि पूरा ग्रामर का सार आ गया है और ये चीज़ बचपन से हम भी सीखते हैं हमारे, लेकिन सभी भी सबसे ज़्यादा बच्चों का हाथ जो तंग होता है वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक में होता है, वोकैबुलरी भी एक बारी को संभाल लेते हैं और ये जो है 8 से 12 नंबर का आता है। थर्ड टॉपिक है आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस एंड नोट मेकिंग वाला जो थर्ड सेक्शन आपका, मैं इस सेक्शन के बारे में क्या बोलूँ, ये द मोस्ट, आप चाहे कुछ भी हो जाओ इसको द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन जो आता है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस टॉपिक, तो ये वाला तो हमें किसी भी एंगल में जो है छोड़ना नहीं है। आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि किस टॉपिक के ऊपर जो है ICI आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे देगा, बट अगर हमारा कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा है, हम समझ अच्छे से सकते हैं, हम जो है एनालिटिकल असेस कर पाते हैं कि कैसे जो है हमें उसका आंसर लिखना है, तो डेफिनेटली हम जो है इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और दूसरा है नोट मेकिंग, नोट मेकिंग में क्या है, पढ़ना है और आपको नोट्स बनाने हैं, एक वेरी वेरी सिंपल ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका राइटिंग सेक्शन जिसमें अगेन इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल पार्ट और ये देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके हैंडल करता है, दैट इज़ 14-16 मार्क्स, यानी अगर ये हो जाए पार्ट तो ऊपर वाले पार्ट जो हैं वो संभल ही जाते हैं। देखो ये इसके जो क्वेश्चन हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन ICI पूछता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में से, वो बहुत आसान है और ये जो है कम्युनिकेशन वाला जो सेक्शन है इसमें तो क्या बताऊँ, सीधे सीधे क्वेश्चन, जो भी आपके टॉपिक्स हैं टॉपिक में से ये पूछा, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो आप, जिसके टाइप्स बता दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ICI ने पूछा हुआ है कम्युनिकेशन चैप्टर में से, कोई घुमा फिरा के बातें नहीं करी हुई हैं।
लाइकवाइज जो आपका वोकैबलरी है वो है काफ़ी बेसिक लेवल का इंग्लिश उन्होंने यूज़ किया हुआ है। हाँ हो सकता है जो बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल से उनको अभी भी ये जो बेसिक लेवल है वो टफ लग सकता है, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस है जो प्रैक्टिस हमें हर चीज़ में आगे बढ़ने में मदद करती है। ठीक है, अब इसमें ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपके 14 to 16 यानी 35 to 40% का जो वेटेज रखते हैं, राइट। और इसमें जो है हमें क्या टेक्निक अपनानी है, कोई भी टॉपिक आप उठाओ सबसे पहले हमें उसका फॉर्मेट, उसका एक आउटलाइन पता होना चाहिए कि कैसे हमें उसमें लिखना है, और दूसरा जो है हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस फ्लो में लिखना है, फॉर्मेट एंड फ्लो। फॉर्मेट हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या लिखना है, जैसे प्रेसी का अलग फॉर्मेट होता है, रिपोर्ट राइटिंग का अलग फॉर्मेट होता है, एंड देन उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को, फैला फैला के नहीं लिखना है, हमेशा ध्यान रखना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये राइटिंग पार्ट में हमेशा जो है क्वालिटी देखी जाएगी क्वांटिटी के ऊपर। आप 2 पेज का लिख कर आओगे और आपने कूड़ा लिखा हुआ है, बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई इसमें दोहराया नहीं है। तो हमें बस अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है, सेंटेंस छोटे फॉर्म करेंगे और बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट कंसाइज जो है फॉर्म कर आएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है अब हम एनालिसिस कर लेते हैं मई 2019 का पेपर। आप बोलोगे कि ठीक है ये सब बातें तो हो गई, एक बार हमें ना रीचेक भी कर लेते हैं कि क्या ये जो वेटेज है ये एक्चुअली में ICAI खुद कंप्लाई करता है कि नहीं करता है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये है आपका मई 2019 का पेपर, मई 2019 का जो क्वेश्चन नंबर 7 था। ये देखो आपको लगेगा कि मैम क्या दिखा रही हूँ, ये देखो ये रहा, ये सेक्शन बी है आपका। चाहे तो अभी आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, ICAI की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे जो है स्टूडेंट सेक्शन में BOS नॉलेज पोर्टल पे जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। अगर आपको चाहिए मैं अपलोड कर दूँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में तो मैं भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद ये देखो ये रहा हमारा मई 2019 का पेपर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें 2 पार्ट्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 3 क्वेश्चन हैं। ये देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, जिसमें जो है आपसे फर्दर 4 चीज़ें पूछी हुई हैं, ये आपका पैसेज से रिलेटेड हैं, और फिर एक जो है आपको समरी लिखनी है। फिर उसका बी पार्ट जो है वो है आपका नोट राइटिंग। मैंने आपको बताया था ना कि कंपलसरी क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन और नोट मेकिंग से ही आने वाला है, और फिर जो है आपको समरी लिखनी है। बच्चे जो हैं क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं समरी वाला पॉइंट और आगे चल कर आ जाते हैं, और नोट मेकिंग में भी जो है समरी लिखनी होती है, ठीक है। तो वो भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर एट में देखो कम्युनिकेशन का चैप्टर है, फिर उसके बाद जो है उन्होंने वोकैबुलरी वाले चैप्टर से पूछा हुआ है, जिसमें ये पूछ रहे हैं कि मीनिंग बताना है क्रूक्ड का, वैसे इसका आंसर ट्विस्टेड है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें ये देखो फिर से उन्होंने एंटोनिम पूछा है और इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है, यानी ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये ए हो गया, और ये बी जो पार्ट है ये पूरा जो है ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, और तीसरा जो पार्ट है वो आपका राइटिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर हम ये देखो यहाँ पे आ जाते हैं एक बार, हाँ हम यहाँ पे अगर आ जाएँ तो हमने 4 सेक्शन बोले हैं, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन जो है ये तो कंपलसरी में कवर हो गया, बचे 3 सेक्शन, एक ये वाला और एक ये वाला, और अभी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में जो है ये पार्ट्स कवर्ड हैं। मैं आपको यही एनालिसिस दिखा रही थी, ये देखो ये जो है हमें कवर हो गया, ग्रीन कलर में हमने कॉम्प्रिहेंशन मार्क कर रखा है, और हर क्वेश्चन का पहला जो है वो कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में से है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। फिर जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है उसमें चॉइस होगी 1 और 2 करके होगा, या तो आप ये वाला कर दीजिए या फिर ये वाला कर दीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का भी ए पार्ट अगेन कम्युनिकेशन, 11 का भी ए पार्ट कम्युनिकेशन। अब ये क्वेश्चन कंपलसरी है, इसके बाद हमें जो है 3 क्वेश्चन करने होते हैं, वो 3 क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखना कि आपको जैसे ग्रामर में से यानी सॉरी जो राइटिंग वाला पार्ट है उसमें से आपको छोड़ के जा रहे हो, तो हो सकता है वही आपका जो है सी वाले पार्ट में पूछा हुआ, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन स्किप करना है तो आप वही वाला करेंगे, क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा होती है, 5 मार्क्स, तो आप वही वाला छोड़ें जो आपको राइटिंग वाला पार्ट नहीं आता है। अब देखो
जो हमारा मे 19 अटेम्प्ट था उसमें प्रेसी पूछा गया था, रिपोर्ट राइटिंग पूछा गया था और आर्टिकल राइटिंग पूछा गया था और मेल पूछा गया था। जो नवंबर 18 वाला पेपर था उसमें हमसे क्या पूछा गया था, प्रेसी तो पूछा ही गया था, सर्कुलर पूछा गया था, रिपोर्ट राइटिंग पूछा गया था अगेन, और फिर एक रेज्यूमे पूछा गया था। मे 19 पता चल गया, हमें नवंबर 18 पता चल गया। अब हम थोड़ा सा अगर हम प्रिडिक्शन लगाएं अपना किसके लिए, नवंबर 19 के लिए, तो देखो मुझे जहाँ तक लगता है सर्कुलर पूछने की काफ़ी संभावनाएं हैं, सर्कुलर और प्रेसी दोनों पूछने की सब संभावनाएं हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बार जो है रेज्यूमे या लेटर जो है, क्योंकि लेटर दो अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, तो लेटर पूछने की भी संभावनाएं हैं। ठीक है, बाकी वो तो देखेंगे पेपर आने के बाद क्या होता है। हमें कुछ छोड़ना नहीं है, फॉर्मेट तो हमें डेफिनेटली हर एक का याद करके ही जाना है। फिर बीच में अगर आपको है कि टॉपिक के बारे में बिल्कुल नहीं पता क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ ले आईसीए, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, थोड़ा सा अपनी समझ से जो भी हम समझ सकते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड को लेके वो हमें लिख कर आना है। ठीक है, ज्यादा जो है इधर उधर फैलने वाली बातें नहीं करनी है और गप्पे तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही थी, जो हर एक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को उन्होंने तीन सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सेक्शन जो कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से है, सेकंड सेक्शन जो है इनका वो ग्रामर से है, और थर्ड सेक्शन आपका राइटिंग से है। और आप पैटर्न देख रहे हो, सारे क्वेश्चन जो हैं रेड ब्लू और येलो, यानी रेड वाला जो है वो कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से है, ब्लू वाला जो है दैट इज़ फॉर ग्रामर, एंड जो येलो वाला है दैट इज़ फॉर राइटिंग पार्ट। तो अब आईसीआई क्या चाहता है कि हम जो है कोई भी टॉपिक छोड़ कर ना आए, और काफ़ी हद तक हम जो है ये ट्राई करेंगे कि हम भी कोई टॉपिक ना छोड़ें, लेकिन अगर कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो हमें बस ये इंश्योर करना है, ये जो चॉइसेस हमें मिली है इन तीन चार क्वेश्चंस के बीच में, हम वो वाला क्वेश्चन पिक करें जो हमें एकदम परफेक्टली आता हो। ठीक है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है पहले सॉल्व करते हैं। मेरे हिसाब से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है बाद के लिए रखना चाहिए, सबसे पहले जो है वो वाला क्वेश्चन उठाना चाहिए जो आपको एकदम टिप टॉप तरीके से आता है। पहले देखना कि कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है इन चारों में से, जो बाकी चार क्वेश्चन उनमें कौन सा वाला आपको एकदम अपने टिप्स पे याद है, फिर ग्रामर भी देख लेना, और उसके बाद जो राइटिंग वाला पार्ट है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि राइटिंग वाला पार्ट जो है अपना पहले स्टार्ट कर दो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे नहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा हाँ मैं आपको मैच करवा रही थी, तो ये देखो मैच करके देख लेते हैं। कम्युनिकेशन जो है टोटल मे 19 के एग्जाम में 8 नंबर का आया है, टोटल पेपर जो 50 मार्क्स का है। मैम 50 मार्क्स का कैसे, अरे एक क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा है ना बच्चों, तुम भी ना। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन है, उसके बाद जो ये आपका सेंटेंस और वोकैबुलरी है 7+6 मार्क्स का आया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंशन और नोट मेकिंग ये 10 मार्क्स का आया है, राइट। 7+6 कितना होता है, 13 होता है ना, हाँ 13। फिर ये जो है आपका कितने मार्क्स का आया है, 19 मार्क्स का आया है। अब अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन हटा दूँ इसमें तो ये इफेक्टिवली कितना बनता है, 6, 9, 10 और 15। और अगर हम एनालिसिस देखें तो क्या है, 4 से 6 है, हाँ 4 से 6 के बीच में है। क्या 8 से 12 के बीच में है, हाँ 8 से 12 के बीच में है। क्या 8 से 12 के बीच में है, हाँ 8 से 12 के बीच में है। और क्या 14 और 16 के बीच में है, यस 14 और 16 के बीच में है। तो देख रहे हो ICAI does comply to the weightage that it has provided। ठीक है, ये खुद के जो बनाए हुए इन्होंने weightage provide कराई, ये उससे जो है stick करते हैं। Now let's move on further। एनालिसिस भी हमारा हो गया, एक बार समराइज कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, बाकी 4 में से जो है हमें 3 करने पड़ेंगे। टोटल जो है हमें 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे पूछते हैं मैम पेन कौन सा यूज़ करना है। देखो ICAI ने काफ़ी टाइम पहले जो है ये क्लियर कर दिया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ करना है। मेक श्योर करें, देखो अगर आप जेल पेन भी लेके जा रहे हो तो इसमें भी कई सारे पेन ऐसे होते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं, राइट, तो आपको वो वाला पेन ऑप्ट करना है। अगर आप बॉल पेन यूज़ कर रहे हो तो वो तो बेस्ट है ही, बट कई बच्चों को आदत होती है जेल पेन से लिखने की, तो यू शुड गो फॉर द वाटरप्रूफ वन। ठीक है, उसके बाद ये डाउट पूछते हैं बच्चे कि मैम कितना समय हमें देना चाहिए BCR का पेपर कंप्लीट करने के लिए। तो देखो हमारे पास जो है 3 घंटे होते हैं ये वाला बिजनेस लॉ और BCR का पेपर कंप्लीट करने के लिए, और हमें
हमारे पास कितने मिनट्स हो गए, टोटल 180 मिनट्स हो गए. 10 मिनट का वेस्टेज हम इधर उधर लगा लेते हैं, टीचर बीच बीच में आ जाता है तंग करने के लिए, साइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो हम 10 मिनट रफली जो है उसमें वेस्ट कर देंगे कि शायद हमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या फिर आगे पीछे से जो भी डिस्टर्बेंसेज हैं. तो हम ये 10 मिनट तो सीधा सीधा एक्सक्लूड कर ही रहे हैं. उसके बाद हम 10 मिनट अपना स्पेशली एक्सक्लूड करेंगे, निकाल के रखेंगे किस चीज़ के लिए, रिविजन के लिए. हमें रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद हमारे पास बैलेंस बच गए 160 मिनट्स. 160 मिनट्स यानी हमें डिवोट करने हैं 100 मार्क्स के लिए. और हमारा जो है फिर कितना हमें डिवोट करना है, कितने मिनट हमें डिवोट करने हैं एक नंबर के लिए, यानी 1.6 मिनट फॉर एवरी मार्क्स, राइट. उसके बाद BCR का पेपर जो है वो 40 नंबर का होता है, तो 40 × 1.6 मिनट्स इज इक्वल टू 64 मिनट्स, यानी अप्रॉक्स एक घंटा. यानी एक घंटे के अंदर अंदर हमें जो है अपना BCR का पेपर कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस लॉ है जो हमारे इसके साथ वाला सब्जेक्ट है दैट इज़ ऑफ 60 मार्क्स, और वो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है और हमें उसमें गड़बड़ नहीं करनी, इसीलिए हम अपने BCR को जो है सेव करके चलेंगे, ठीक है. आई थिंक एक तो पहले जो है ना हमारा ये जो पेपर होता था वो ऑब्जेक्टिव होता था, इसको मर्केंटाइल लॉ बोलते थे. अब ICA ने जो है इसको पूरा सब्जेक्टिव कर दिया, तो ICA ने बोला कि यार मैं एकदम से जो है इतना बड़ा सब्जेक्ट, क्योंकि लॉ अपने आप में ही बहुत बहुत वास्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट मैं बच्चों को नहीं दे सकता, छोटे मोटे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को जो क्लास 12th क्लियर करके आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बोला कि चलो हमें ना BCR इसके साथ कंबाइन कर देते हैं ताकि बच्चे जो है थोड़ा सा शांत हो जाएं, उन वो जो है ज़्यादा फेल ना हो, राइट. इसके बाद जो है बच्चे बहुत बड़ी जो गलती करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के कहीं भी डाल देते हैं. आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन उठाना है, उसके सारे जो पार्ट्स हैं वो एक जगह पे सॉल्व करने हैं. ए पहले कर लो, सी पहले कर लो, बी पहले बाद में कर लो, फिर डी कर लो. लेकिन ये नहीं करना, ये तो बिल्कुल नहीं करना कि क्वेश्चन 7 का ए पहले सॉल्व कर दिया, फिर क्वेश्चन 6 का सी सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन 7 का फिर बी और डी आप बाद में आके सॉल्व कर रहे हो. डोंट डू दिस, डू नॉट डू दिस. यू आर नॉट माई स्टूडेंट इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस इन द एग्जामिनेशन. बिल्कुल कट्टी हो जाएगी अपनी, राइट. यू हैव टू डू दिस. सारे क्वेश्चंस के क्वेश्चन का जो सारे पार्ट्स हैं वो एक जगह पे रखो, उनका ऑर्डर जो है आपस में बदल दो, बट ये जो है ये ब्लंडर बिल्कुल भी नहीं करके आना हमें, राइट. उसके बाद बच्चे पूछते हैं मैम MCQ कैसे जो है अटेम्प्ट करना है. बच्चे पता कैसे लिख कर आते हैं इसका आंसर, जी इसका आंसर है ना 3 है, मतलब लिखा बी का फर्स्ट का आंसर 3. अगर आप ऐसे लिख कर आओगे ना 0 मार्क्स मिलेंगे, फिर मत कहना कि जी क्यों फेल हो गए, ठीक है. हमें इसका आंसर देखो कैसे लिख कर आना है, बी लिखा, फिर फर्स्ट लिखा, फिर हमने लिखा मीनिंग ऑफ क्रूकिड, राइट. उसमें हम लिखेंगे ट्विस्टेड में पॉइंट नंबर कौन सा है 3. ऐसे हमें लिख कर आना है इसका आंसर, ऐसे नहीं लिख कर आओगे यू आर नॉट माई स्टूडेंट, ठीक है. फिर उसके बाद क्वेश्चन जो हमें बहुत केयरफुली पढ़ना है. कई कबार बच्चे जो है समरी वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, नोट राइटिंग पढ़ा, हाँ बस फटाफट लिख दिया, लेकिन मतलब जैसे है हमें समरी अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं. उसके बाद कम्युनिकेशन वाला जो स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स सिमिलैरिटीज और ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्ड्स जो हैं आपस में कन्फ्यूज करते हैं, तो इसीलिए हमें क्वेश्चन को बहुत बहुत केयरफुली पढ़ना है ताकि मिस्टेक्स के चांसेस हम एकदम जो हैं वो कम कर दें, ठीक है. उसके बाद हमें जो कवर करना है, सारी चीज़ें जो हमें कवर करनी है अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, वो है सबसे पहले स्टडी मटेरियल तो कवर करना ही करना है डेफिनेटली. पास्ट ईयर पेपर, RTP मॉक टेस्ट पेपर. RTP इज रिविजन टेस्ट पेपर और पास्ट ईयर पेपर. दिस इज़ द पास्ट ईयर पेपर, दिस इज रिविजन टेस्ट पेपर एंड दिस इज मॉक टेस्ट पेपर. आप बोलोगे कि मैम ये कहाँ मिलेगा, आपने तो फोटो दिखा दी है. गो टू ICAI's वेबसाइट, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द लिंक टेल मी, आई विल गिव यू राइट अवे, ओके. यस, तो हमें ये चीज़ें जो करनी, हमारे पास इनफ मटेरियल है यार, हमें कोई रोक नहीं सकता पास होने के लिए. और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताओ और अपना करंट स्टेटस भी बताओ कि BCR जो है वो कितना हो गया है और कितना बचा है, क्या डिफ़िकल्टीज जो हैं आपको स्पेसिफिकली BCR में फेस हो रही हैं, सो दैट आई कैन टेक अप दोज क्वेरीज एंड मेक वीडियोज और मे बी वी कैन कंडक्ट अ लाइव सेशन. यू गाइज टेल मी व्हाट यू वॉन्ट, राइट, ठीक है. और हमें सच में अगर हम इतना सब कुछ कर लेते हैं हमें कोई रोक नहीं सकता एटलीस्ट 30 मार्क्स स्कोर करने से, ठीक है. तो अगर आपका अभी करंट स्टेटस ये है कि BCR जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, वैसे मैं जनरली नहीं करती, बट देन यू कैन टेक माय क्लासेस विच आर अवेलेबल ऑन edu91 ऐप. और आपको जो है 4 से 5 दिन निकालने पड़ेंगे और आपका जो है
पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. उसमें मैंने दो चैप्टर्स, अब बच्चे जो हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस ली हुई हैं वो मुझे बोलेंगे कि मैम आपने दो चैप्टर्स नहीं अपलोड करे हैं. आई नो इट वेरी वेल माय बच्चा. तो मैं वो जो है दो चैप्टर्स बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, ठीक है. वो मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करने की, ठीक है. उसके अलावा ये फीडबैक है, कुछ आप पढ़ सकते हो जो पुराने बच्चों ने जो है मेरे लिए लिखे थे. एंड दिस मेक्स मी हैप्पी. आज मैं अपनी ड्राइव क्लीन कर रही थी तो ये मेरे को मिल गए, तो मैंने सोचा मैं वीडियो में यूज कर लेती हूँ. बट देन यार रियली यू गाइज आर माई बिगेस्ट मोटिवेशन. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो. और कुछ भी डाउट अगर लग रहा है ना बच्चों, प्लीज़ शूट योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन. मैं सच में आप लोगों का रिप्लाई करना चाहती हूँ. और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, लाइक करना है, और बस सब्सक्राइब टू द चैनल. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. नमस्ते.